पांडे जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। आजकल ये DIW में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छा टीचरिंग करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जब से टीचर हुए तब से बच्चों का रिजल्ट भी बढ़िया आने लगा, नहीं अच्छा आने लगा, खराब नहीं की बात, अच्छा आने लगा। इसके पहले ये मुर्गी फार्म चलाया करते थे बलिया में, आप ही करता मुर्गी फार्म चलाया करते थे। अच्छा, जब से मुर्गी फार्म खोले थे मुर्गियों ने अंडा देना ही बंद कर दिया। किसी ने इनको सलाह दिया मुर्गियों को हड़काओ, डर के अंडा देती हैं। अब ये लेके वो जो काटने वाला होता है गड़ा सा, वो लेके घुस के फार्म में सारी मुर्गियों को हड़काए, बे सुनो मुर्गियों, कल अगर किसी ने भी दो दो चार चार अंडे से कम दिया, सबसे पहले उसको जमा करूंगा, झटके का भी नहीं, हलाल करूंगा उसको। नहीं, इसमें कौमी एकजहती भी आनी चाहिए। अच्छा, गले से कर ताली बजा रहे हैं आप। आगे आप बजाएंगे। अगले दिन जब इन्होंने फार्म का गेट खोला, देखा सारी मुर्गियों ने दो दो चार चार पांच पांच अंडे, एक मुर्गी अकेले कोने में दुबकी हुई एक अंडा दी थी। अब ये उसके सिर पे एकदम गर्दन पे गड़ा सा सटका के, क्यों बे मुर्गी, तुझे मेरी धमकियों का जरा भी डर नहीं, इतना हड़काने के बाद भी तूने सिर पे एक अंडा दिया। अब उसने एकदम कांपते हुए कहा, हुजूर माय बाप, ये एक अंडा मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। माँ सरस्वती को प्रणाम करने के साथ अभी खत्म। आप सभी साहित्यकार गण, रचनाकार गण और सभी साहित्य प्रेमियों को प्रणाम करते हुए, सबसे पहले दमदार भाई को इतने सरस संचालन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। एक बार मैं कहता हूँ कि दमदार भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे नाम से बजवा लिए, इस पे बजेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं। चलिए, इनकी बात एक तरह से काटता हूँ मैं, बलिया से तो मैं हूँ नहीं, मैं तो चंपारण से हूँ, एकदम कोने से बिहार के। अब वो जो बात हो गई है उस पर कितना भी पोछा मारेंगे नहीं मारेंगे, इन लोग मन में नहीं करेंगे। आप लोगों की ओर से बाबा विश्वनाथ के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। अनादिकाल से अनंत शक्ति के स्वरूप तुम, अनादिकाल से अनंत शक्ति के स्वरूप तुम, अपार आत्मभू अमर्त्य लोक के निरूप तुम, त्रिनेत्र त्रासदि हरो त्रिलोक को संवार दो, भविष्य आप दीन भक्त की दशा सुधार। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। चार पंक्तियां देखिए, स्वागत है। कि मैं शब्दों को सजाने का हृदय से काम करता हूँ, क्या बात है, मैं शब्दों को सजाने का हृदय से काम करता हूँ, गजल और गीत कविताएं आपके नाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और अदब की यह सभा है, सिर झुकाता हूँ विनय से मैं, वाह, ये नौगढ़ की धरा है, मैं इसे प्रणाम, वाह वाह वाह, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। क्या, वैसे सुनिए कि कुछ शेर कहता हूँ, फिर दमदार भाई ने जिस कविता का जिक्र किया उसको सुनाऊंगा। कि अब किसी के हाथ में पतवार फिर संभली तो है, अब किसी के हाथ में पतवार फिर संभली तो है, और अब किसी के हाथ में पतवार फिर संभली तो है, इस किनारे से कोई कश्ती अभी निकली तो है। अरे वाह 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 वाह, इस किनारे से कोई कश्ती अभी निकली तो है, और चीर कर सागर का सीना बढ़ रहा नाविक कोई, चीर कर सागर का सीना
चीर कर सागर का सीना बन रहा नाविक कोई, देखिए लहरों की हालत अब जरा पतली तो है। लहरों की हालत अब जरा पतली तो है और हाथ उसके हैं सलामत। तवज्जो चाहूंगा, हाथ उसके हैं सलामत, है हुनर भी अलहदा, कुछ नहीं है पास उसके खेत दो फसली तो है। कुछ नहीं है पास उसके खेत दो फसली तो है और दूध माँ का है रगों में बन गए फौलाद हम। दूध माँ का है रगों में बन गए फौलाद हम, एक ऐसी चीज दुनिया में अभी असली तो है। वाह, अरे वाह 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 वाह, भैया भैया भैया, ये शेर फिर से पढ़िए। दूध फिर से कि दूध माँ का है रगों में बन गए फौलाद हम। दूध माँ का है रगों में बन गए फौलाद हम, एक ऐसी चीज दुनिया में अभी असली तो है। वाह 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 वाह, एक ऐसी चीज, वाह 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 वाह। एक और बेटर की गुस्से देखिए कि एक है चाल उसकी सभी के लिए, एक है चाल उसकी सभी के लिए, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। क्या बात है। और प्यार धोखा मोहब्बत या नफरत करें, प्यार धोखा मोहब्बत या नफरत करें, चार दिन ही मिले जिंदगी के लिए। और देखिए कि हाथ पर तो बंधी है घड़ी लाख की, हाथ पर तो बंधी है घड़ी लाख की, हाथ पर तो बंधी है घड़ी लाख की, है तड़प चैन की दो घड़ी के लिए। क्या बात है भाई, तड़प चैन की दो घड़ी के लिए। वाह। एक गजल के कुछ शेर लिखे कि दिन भर शहर में जो किसी का घर बनाता है, दिन भर शहर में जो किसी का घर बनाता है, क्यों रात को फुटपाथ को बिस्तर बनाता है। दिन भर शहर में जो किसी का घर बनाता है, क्यों रात में फुटपाथ को बिस्तर बनाता है, और रिक्शा चलाता है लगाकर चेन सांसों की। रिक्शा चलाता है लगाकर चेन सांसों की, फिर भी वो बेटी को बड़ा अफसर बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। विकास पांडे जी की यही खासियत है दोस्तों कि अगर आप इन्हें ध्यान देके सुनेंगे तो इनके गजलों से जरूर कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी जो थक से यहाँ पर जाकर लगती है। एक बार फिर से पढ़िए गुरु। वाह, शुक्रिया दंदर भाई। रिक्शा चलाता है लगाकर चेन सांसों की, फिर भी वो बेटी को बड़ा अक्षर बनाता है, और फूलों की माला वह बनाता था बहुत दिन तक। फूलों की माला वह बनाता था बहुत दिन तक, अब वक्त बदला आजकल नश्तर बनाता। एक गजल का शेर देखिए, रचता है लाखों रूप वह सुंदर बहुत, लेकिन रचता है लाखों रूप वह सुंदर बहुत, लेकिन बिरला किसी का दिल भीरव सुंदर बना। वाह, अरे वाह। आइए कविता सुनाए, स्वागत है सर। लेकिन चार पंक्तियां देखिए, गांव गिराव है और गांव गिराव से संबंधित चार पंक्तियां हैं। थोड़ा सा तरन्नुम में दो मिनट समय दीजिए। स्वागत है, स्वागत है। कि गांव की हर गली, ये कोविड काल का की रचना है, कि गांव की हर गली हर डगर देख कर आ रहा हूँ अभी उसका घर देख, आ रहा हूँ अभी उसका घर देख कर, और धन्य जीवन मेरा जिससे होता रहा, आ रहा हूँ उसे हर नजर कर। अब बैलगाड़ी में था जुट गया आदमी, बैलगाड़ी में था जुट गया आदमी,
जो पड़ी थी सड़क वह सफर देखकर और अखबार रखा सामने कि एक नन्ही परी भूख से मर गई, एक नन्ही परी भूख से मर गई, तुम पिघलते नहीं क्यों खबर देखकर, तुम पिघल क्या कविता सुना देता हूँ, जरूर जरूर बापू जी। एक लड़का कि जो एक युवक है जो गांव छोड़कर शहर में कमाने जाता है और वहाँ उसको उसके पिता की याद आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी और बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी, बड़े सख्त कहाँ कभी दिखलाते थे कोमलता, यदि क्रोध करते तो उनके नैनों में सूरज जलता, पलता था पर प्रेम भी उनके मन के ओझल कोने में, जो आता था काम एकांत में उनकी पलक भिगोने में, और कभी प्रेम उमड़ा तो उसे छुपा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते। और गान उनको पटवारी अमीन जमीन की पैमाइश, राशन कार्ड पाने को कैसे पूरी किसी फरमाइश, अंचल तहसील राजस्व अदालत का कैसा निष्फल चक्कर, रोज रात को वही कथा कहते थे जब आते थे घर, और जर जमीन की जटिल बिसात बिछा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और क्षणिक आवेश से वशीभूत हो भैया ने जब घर छोड़ा, बिखरे रिश्तों के तारों को बाबूजी ने फिर जोड़ा, भोजन वस्त्र और घर की उलझन में उलझे ही रहते थे, लेकिन अपनी व्यथा कथा वे कहां किसी से करते थे, अपने दिल में सारे दर्द दबा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाता। भाई वाह वाह वाह। और सोचता है वो लड़का, वो उसकी संतति, पिता की संतति सोचती क्या है कि आजीवन उनका ही एक प्रतिरूप बना जीऊंगा मैं, आजीवन उनका ही एक प्रतिरूप बना जीऊंगा मैं, वही सूर्य होंगे मेरे और धूप बना जीऊंगा मैं, निखरा हूं मैं संघर्षों की ज्वाला में जो अब तपकर, बाबूजी का व्यक्तित्व ही उभरा है मेरे अंदर, और समय समय पर सही राह दिखला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। अब तो यदा कदा सपनों में आ जाते हैं बाबूजी और बड़े प्यार से मेरा सिर सहला जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।